नमस्कार साथियों, मैं विकास स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, CUET MA फिलोसफी एंट्रेंस एग्जाम की घोषणा जो है वो हो गई है। NTA ने मई महीने को चुना है और मई के आसपास में लास्ट वीक और जून फर्स्ट वीक के अंतर्गत हो जाएगी परीक्षाएं। तो आज मैं पुनः उपस्थित हुआ आप सभी के सामने सिलेबस को लेकर कि सिलेबस से रिलेटेड क्या बातें हैं और कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, और अगर आप ये तमाम सिलेबस को मेरे साथ जुड़कर कवर करना चाहते हो तो कैसे जुड़े। तो चलिए बिना देर किए सिलेबस के बारे में जानते हैं, फिर मैं बातें करता हूँ। देखिए, पूरा जो सिलेबस है ये 5 सेक्शन में बटा हुआ है। दिक्कत यह ये है कि कोई भी टॉपिक जैसे हम लोग पढ़ते हैं, बीए में पढ़े होंगे आप लोग पढ़े होंगे कि इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न, कंटेम्प्रेरी इंडियन, लॉजिक, रिलीजन, सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी, ईटीसी। तो वहां पर क्या था कि कोई एक बुक था उसके अंतर्गत सिलेबस था। यहाँ क्या है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि सब मिक्सअप टाइप्स हो गया है। जैसे अगर आप सेक्शन एक पर गौर करें, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा। तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत जो है ये जो सिलेबस लिखा हुआ है ये किस फिलोसोफर का पढ़ना है या किस फिलोसॉफी से रिलेटेड है, ये चीजें नहीं लिखी गई है। लेकिन NTA आपसे अपेक्षा करती है कि आप पूरी तरह से तैयार रहें। जैसे सपोज कीजिए कि पहला टॉपिक है कि प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी ईश्वर के अस्तित्व को जो सिद्ध करना है उसके प्रमाण के बारे में आपको पढ़ना है कि कौन कौन से फिलोसोफर हुए जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के जो है प्रूफ दिए हैं। वो कौन कौन से फिलोसोफर हैं, जैसे मानते हैं कि अगर मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसॉफी में आते हैं तो जैसे डेकार्ट है, तो डेकार्ट ने कई सारे प्रूफ दिए हैं। जैसे डेकार्ट ने काउजल प्रूफ दिए, जैसे डेकार्ट ने डिडक्टिव आर्गुमेंट दिए, जैसे डेकार्ट ने ऑन्टोलॉजिकल दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि वो फिलोसोफर और उस फिलोसोफर ने क्या क्या प्रूफ किए हैं या कौन कौन से आर्गुमेंट को दिए हैं। तो आपको सबको चुनना है, सबको निकालना होगा कि कौन कौन से ऐसे फिलोसोफर है जिसने गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में कहा है। दूसरा देखते हैं कि फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म। फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म, अगर आप इसको देखिए सही तरीके से, तो फ्री विल के बारे में जो चर्चा है वो डेकार्ट ने की है। डेकार्ट ने कहा है कि फ्री ऑफ विल है, या फिर फ्रीडम ऑफ विल की बात कांट ने भी की है। डिटर्मिनिज्म की जो थ्योरी है, हिंदी में इसको नियतिवाद कहते हैं और इंग्लिश में इसको डिटर्मिनिज्म कहते हैं, नियतिवाद। तो नियतिवाद के बारे में जो चीजें बोली है वो स्पिनोजा ने कहा है अपनी पूरी फिलोसफी में। थ्योरी ऑफ डिटर्मिनिज्म में कहते हैं कि सब कुछ पूर्व से ही नियत है, कोई भी चीज आप बदल नहीं सकते हैं। और यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में उसने कहा है कि ईश्वर भी इंटरनल लॉ से चलता है, वो भी सेल्फ जो है वो डिटरमाइन है, स्वतः या आंतरिक या आत्म नियतिवादी है, वो भी चाहकर कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उसी में उन्होंने बताया है स्पिनोजा ने कि फिर फ्रीडम क्या है आपके अकॉर्डिंग, क्या है स्वातंत्र्य आपके अनुसार। तो कहते हैं कि जो भी इंसान, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारा एसेंस क्या है, मैन का एसेंस क्या हो सकता है, तो हमारा रीजन है, हमारी बुद्धि है। तो कोई अगर बुद्धि के अनुसार कार्य करता है बिना भावनाओं के, बिना संवेग के या बिना आवेग से ग्रसित होकर कोई भी कार्य करता है तो वो क्या है, स्वातंत्र है, फ्रीडम, फ्री है। तो इसी को उसने कहा है कि इंटेलेक्चुअल लवर ऑफ गॉड, ईश्वर के प्रति हमारा बौद्धिक प्रेम। तो अब ये सब चीजें जो है इसको तोड़ तोड़ के आपको समझना पड़ेगा, सबको अपने से निकालना पड़ेगा। जैसे सेल्फ के बारे में, आत्मा, तो आत्मा के बारे में किसने किसने कहा है, डिकार्ट से लेकर जो है बर्कले तक आत्मा की बात करते हैं, लेकिन ह्यूम जो है वो आत्मा की बात नहीं करते, आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जब आप लॉक को पढ़ते हैं तो लॉक क्या है कि उसने मैटर को भी एक्सेप्ट किया है, उसने सोल को भी एक्सेप्ट किया है, उसने गॉड को भी एक्सेप्ट किया है। लेकिन जब आप बर्कले की फिलोसॉफी पढ़ते हैं तो बर्कले, चूंकि ये क्या थे, ये पादरी थे, और ये जो है पूरी फिलोसॉफी में जो है वो अपने मैटर को जो रेपुटेट करना चाहते थे। तो इसने आइडियलिज्म की जो थ्योरी दी है, प्रत्ययवाद की थ्योरी है, उसके अंतर्गत इन्होंने मैटर को रिपुटेट कर दिया, यानी बर्कले जो है जड़ को नहीं मानता है, लेकिन बाकी इन्होंने सोल को माना है, यानी आत्मा को माना है, और गॉड को माना है, इन दोनों को माना है। जब आप देखिएगा, जब आप ह्यूम के थ्योरी को जाते हैं, ह्यूम को,
तो उसने मैटर को भी रिपोर्टेड किया है, सोल को भी रिपोर्टेड किया है, और गॉड को भी रिपोर्टेड किया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन लोगों की फिलोसफी को आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए का एग्जाम है, एनटीए यूजीसी नेट भी ले रही है, तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा कंपटीशन तो बढ़ ही गया है। और जाहिर सी बात है, अब चूंकि काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो कोई नया क्या पूछेगा, इसलिए अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बेसिस आ रहे हैं। एनालिसिस करना अगर आपको आता है फिलोसफी में, तो आप इजिली कोई भी एग्जाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन नेट का कट ऑफ हो जाए, या फिर इंट्रेंस में ही इस बार चूंकि दूसरी बार होने जा रही है, तो कट ऑफ अब हाई होगा। हर इंसान को अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, उसको हमेशा बेटर टू बेस्ट ही चाहिए। तो जब बेस्ट चाहिए, तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन होगा। कॉम्पिटिशन में केवल वही सेलेक्ट हो जाएंगे जो अच्छे मार्क्स लेंगे, और अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब आपके हर एक टॉपिक के ऊपर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पढ़ेंगे तो सभी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उन्हीं जिनका, वही अच्छा बाजी मारेंगे। उसके बाद कॉन्शियसनेस की जो, फिर इसमें नो सेल्फ की बात जो करता है वो ह्यूम, उसके बाद कॉन्शियसनेस चेतना की बात जो है वो कौन करता है, पर्सनल आइडेंटिटी की बात जो है ह्यूम करता है, सब्सटेंस एंड क्वालिटीज की बात सभी लोग करते हैं, बीइंग एंड बिकमिंग की बातें जो है वो जो करता है उसके बारे में जानना है आपको। जैसे इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली एंड पोटेंशियल की बात जो है एरिस्टोटल करता है, अपियरेंस एंड रियलिटी की बात जो है वो ब्रैडले करता है, माइंड बॉडी प्रॉब्लम सब लोग करते हैं, लाइक डेकार्ट ने भी किया, स्पिनोजा ने भी किया, और लाइबनिज ने भी किया। तो ये यूनिवर्सल है। फिर रैशनलिज्म और आइडियलिज्म की पूरी बातें हैं, फिर एसेंस एंड एग्जिस्टेंस जो है ये। तो कहने का मतलब ये सारे फिलोसोफर को जानना पड़ेगा कि किसने ये थ्योरी को दिया है, किसने दिया है। फिर आगे आप देखिए सेक्शन टू, देखिए सेक्शन टू में देखिए एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, ऐसी थ्योरी जो ज्ञान के रिलेटेड हो। तो थ्योरीज ऑफ ट्रूथ पढ़ना है, थ्योरीज ऑफ इरर पढ़ना है, जेटियर प्रॉब्लम पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ नॉलेज पढ़ना है। तो इन तमाम टॉपिक को आपको, जैसे स्केप्टिसिज्म पढ़ना है जो ह्यूम का है। तो करने का मतलब ये सारी थ्योरी जो है इसको आपको पार्ट बाय पार्ट करके क्लियर करना पड़ेगा। अब कुछ चीजें जो जो आपको जो आसानी से क्लियर हो जाए, जैसे इथिक्स का जो टॉपिक है, तो इसको ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसको क्लियर करने के लिए आप वेद प्रकाश वर्मा जो है, वेद प्रकाश वर्मा जो है, इससे आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, या अशोक कुमार वर्मा, इन दो पुस्तकों के जरिए जो है आप क्लियर कर सकते हैं। ये इंग्लिश हिंदी में उपलब्ध है, तो आप इससे क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए लेक्सिकॉन या आईएएस वाली किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर ये जो है एम कॉपी, या हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो उषा कुशवाहा मैम लिखी है, या अविनाश तिवारी सर है, या आप जो है अशोक कुमार वर्मा ही फॉलो कर सकते हैं। तो काफी लोग जो है लॉजिक लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इस टॉपिक में भी कोई दिक्कत नहीं होती। इसके लिए भी जो पुस्तक है, मान लेते हैं कि क्या पढ़ना है, थ्योरी ऑफ जस्टिस रॉल्स का पढ़ना है, लिबर्टी एंड इक्वेलिटी, इसके लिए भी जो है नेट से सर्च कर लीजिए आप, नेट में ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। फेमिनिज्म को थोड़ा जानना होगा, ग्लोबल जस्टिस जो है अमर्त सेन के बारे में बात करना है, जस्टिस या ग्लोबल जस्टिस, फिर यहाँ पर अमर सेन को स्पेशली पढ़ना है, टैगोर जी को पढ़ना है। तो ये तीन चार जो है ये यहाँ से यहाँ तक, ये गांधी जी, अम्बेडकर जी और टैगोर जी। तो अम्बेडकर जी को तो शायद उसमें नहीं है, बीके लाल में, बीके लाल एक बसंत कुमार लाल है, इन्होंने जो है काफी कंटेम्प्रेरी पे इनका योगदान अहम रहा है, तो उसमें आप उसको कवर कर सकते हैं। बाकी जो टॉपिक्स है ये आप नेट के जरिए कवर कर सकते हैं। तो ये तो रही भाई कि क्या करना है, कैसे करना है, और इंडियन और वेस्टर्न के लिए जो किताबें हैं, जो सबसे अच्छी किताबें मानी जाती है, अगर आप बिगिनर्स एकदम नहीं समझ में आया है और लॉकडाउन के चक्कर में फंस गए थे, तो सही से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उन लोगों के लिए किताबें अगर आप पूछिए, तो इंडियन फिलोसॉफी के लिए शोभा निगम मैम की किताब आती है, इंडियन फिलोसॉफी के लिए, जो एकदम बिगिनर, जो एकदम समझ नहीं आती, ये हिंदी में उपलब्ध है। और अगर इंग्लिश में पूछे तो दत्ता एंड चटर्जी की बुक आती है, आप इसको कवर कर सकते हैं, सी डी शर्मा भी, और लॉट्स ऑफ बुक है। लेकिन देखिए जिससे से समझ जाए, क्योंकि मेरी परख है, मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ सीयूटी को, और अच्छे अच्छे रिजल्ट को मैंने दिया है, और जो है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का आइडिया है कि बच्चे को कहाँ से कौन सी चीजें पढ़े जो आसानी से समझ में आए। किताबें हजार है, लेकिन जो आपके लिए उपयोगी वही होंगी जो आपको समझ आएंगी। वेस्टर्न फिलोसफी के लिए जो है, इसके लिए मैं शुरू करूंगा कि अब हिंदी माध्यम से अगर कोई है तो वो शोभा निगम पढ़ सकते हैं, और अगर इंग्लिश में है, अगर आपकी अच्छी इंग्लिश है और अगर आप समझ सकते हैं, तो फ्रेंड
रैंक थ्री की बुक आती है, अब उसको देख लें, या फिर सिडनी शर्मा ही ठीक है। बाकी लॉजिक के लिए एम कॉपी और हिंदी में मैंने बता ही दिया है। सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी के लिए जो है वो आप ओपी गाभा को पढ़ सकते हैं, और कुछ कुछ जो है बीके लाल जो नीचे कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफर थे उनके लिए बीके लाल को देखिएगा, और कुछ इंटरनेट का सहायता लीजिएगा। ये तो रहे दोस्तों कि कैसे करना है, और अगर आप इन तमाम चीजों को मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो नो डाउट मैं आपको अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगा विद इन 3 मंथ्स के अंतर्गत। आप लोग को पता है मैं पिछला 2-3 वीडियो डाल चुका है इससे रिगार्डिंग, तो काफी सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, ऑलमोस्ट 25+ बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो जैसे जैसे कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, कोई आसाम से, कोई उत्तराखंड से है, तो देश के अलग अलग कोने से बच्चे जुड़ के पढ़ाई करना चालू कर दी है। मैंने 2 तारीख से पढ़ाई जो है वो शुरुआत कर दी थी, लेकिन चूंकि क्या है कि काफी सारे बच्चे जो लेट से जुड़ रहे हैं, जैसे कुछ आज जुड़े हैं, कुल परसों जुड़े हैं, तो ऐसे 2-4 बच्चे रोज जुड़ रहे हैं। तो मैंने क्या किया है कि जो टॉपिक चल रहा है, जैसे अभी वर्तमान में मैं पढ़ा रहा हूँ लाइबनीज को एंड कर रहा हूँ, तो लाइबनीज के टॉपिक पढ़ रहा है, उसके पिछले जितने भी फिलोसफर है वो छूट गए हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको एक तो रिकॉर्डेड सारे लेक्चर्स में उपलब्ध करा दूंगा, जो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ कि रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, उससे क्या होगा कि आप उसको सुन सकते हैं, जितने भी रिकॉर्डेड जो है वो वीडियोज आप देख सकते हैं पहली बार, और उसकी फिर सारे के नोट्स मैं दे दूंगा। और ये जितने भी चीजें हैं ये बायलिंगुअल है, आप इंग्लिश में हो या हिंदी में हो डजंट मैटर, आपको आराम से समझ में आएगी। तीसरा क्या है कि कोई भी टॉपिक जैसे मान लेते हैं पूरा पढ़ा दिए मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स के बाद एक टेस्ट लेते हैं, जिससे क्या होगा कोई ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको अभी पढ़ने की जरूरत है, जहाँ दिक्कत है, आप उसे पर्सनली पूछ भी सकते हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियोस पूरे मिल जाएंगे, नोट्स पूरे मैं दे दूंगा, और जो अभी पढ़ा रहा हूँ रनिंग में ये तो करूंगा ही, और प्रत्येक संडे को क्या है कि मैं कवर कर दूंगा, जो चीजें छूट जाएंगी वो संडे को एक्स्ट्रा क्लास देके, या जो चीजें नहीं समझ में आ रही वो संडे को एक्स्ट्रा क्लास देके मैं कवर करा दूंगा। और बाकी देखिए ऐसा है कि सब पढ़ने का टाइम भी नहीं है, और सब कुछ कवर भी करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ना कि बोलना काफी आसान होता है, पर जब जो इम्प्लीमेंट करता है उसी को पता है कि कितना आसान या चीजें है या कितना हार्ड है। तो मैं काफी सारे बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी अच्छा करें। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मैंने बताया है कि मेरा ईमेल आईडी है विकास आनंद, विकास आनंद 54321@gmail.com, ठीक है? आप इस पे मेल कर दीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर, ये 3 चीज लिख के आप मुझे सेंड कीजिए। आई विल कॉन्टेक्ट यू, मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा, मैं आपसे बात कर लूंगा, और उसके बाद जो है आप मुझसे जुड़ सकते हैं। पेमेंट की बात जहां तक है तो पेमेंट जो है वो 2500 रुपये में रखा हूँ, क्योंकि 3 मंथ आपको पढ़ाना है, पूरे अप्रैल तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और सारे सिलेबस ये 5 यूनिट कवर हो जाएगा आपका। अप्रैल के बाद आप फ्री है, आप आराम से तैयारी कीजिए, उसके बाद एग्जाम देकर अपना एग्जाम निकाल लीजिए, रिविजन करते रहिए, वो डिपेंड आप पर करेगा, मैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की गारंटी देता हूँ। तो ये रहा, और जहाँ तक बात है 2500 रुपया कुछ ज्यादा होता नहीं है दोस्त, जिसको पढ़ना है 3 साल की मेहनत को 3 महीने में कवर करना है, तो मुझे भी एफर्ट देना पड़ता है, क्योंकि मैं भी स्कॉलर हूँ, तो मुझे भी अपना वो भी काम करना, पीएचडी से रिलेटेड और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी मैं तैयारी करता हूँ, तो उधर भी मुझे ध्यान देना होता है। तो और बाकी मैं समय निकाल कर जैसे पढ़ा रहा हूँ, समय की बात रही तो समय शाम के 5 से 6 रहते हैं, वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 4 से 5 भी हो सकता है, लेकिन ये है कि रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिल जाए जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं, किसी दिन मान लीजिए अगर आपको छूट जाता है तो आप वहां से देखकर कवर कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 1 से 2 दिन में आप सभी जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि ये आप ही के लिए लाभप्रद होगा, आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और बस बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए, आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए। थैंक यू सो मच।